टाइगर 3 फ्लॉप होने के बाद सलमान खान की फैन बहुत ही नाराज हुए, क्योंकि उन लोगों को सलमान खान से टाइगर 3 के हिट के बारे में बहुत ही उम्मीद था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद जब सलमान खान करण जौहर का बुल मूवी साइन किया, लोगों को लगा कि अब तो सलमान खान का जो पिछले कई सालों से जो फ्लॉप का जो सिलसिला चल रहा है ये जरूर टूटेगा, क्योंकि बुल मूवी में वो एक प्यारा कमांडो का रोल करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी हुआ नहीं, तो लोग बहुत ही हताश हुए। लेकिन सलमान खान फिर से आ गए सिकंदर मूवी को लेकर, जो नेक्स्ट ईयर दिवाली के ईद के टाइम में रिलीज होगी, और इस मूवी के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट दूंगा। देखिए, इस मूवी का जो प्रिपरेशन ये ऑलरेडी इस महीने के शुरुआत से स्टार्टिंग हो चुका है, और इस मूवी का एक जो पोस्टर शूट होता है वो पोस्टर शूट मई की एंडिंग में, मतलब और कुछ दिन के अंदर ही इस मूवी का पोस्टर शूट होगा, तभी जाके पता चलेगा कि सलमान खान का लुक्स कैसे होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट महीने से सिकंदर का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी एआर मुरुगदस मुंबई पे आ चुके और इसके बारे में बातचीत शुरू हो गए, और इस महीने की एंडिंग या जून के स्टार्टिंग में वो रश्मिका मंदाना और सलमान खान को स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में बैठाएंगे और स्क्रिप्ट रीडिंग कराएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो भी एक्टर को अगर स्क्रिप्ट रीडिंग किया जाता है, मतलब जो डायलॉग से पूरा डायलॉग सब कुछ बताया जाता है, तो बेहतर होता है कि जब वो लोग सेट पे जाए तो प्रिपेयर ज्यादा हो, तो इसलिए वो एआर मुरुगदस स्क्रिप्ट रीडिंग कराएंगे। और इसका जो पहला जो शूटिंग जो शेड्यूल होने वाला है वो एक्शन सीन होने वाला है, इसमें सलमान खान खुद चाह रहा है खुद एक्शन करने के, लेकिन देखिए उनकी एज अराउंड 59 ईयर्स है, तो ये तो मानना ही काफी एज हो चुका है, तो सारे एक्शन सीक्वेंस वो कर नहीं पाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और वो जितना जब जिस जगह पे जरूरत है वो काम कर लेंगे। लेकिन इस मूवी का जो फास्ट शेड्यूल ये होगा गुड़गांव फिल्म सिटी में, और उसके बाद आपका हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में, तो इसका पहला जो एक्शन सीन होने वाला है उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी में, फिर जो होगा आपका फॉरेन लोकेशन में, क्योंकि ऐसी प्लान किया गया, बहुत ही टाइट शेड्यूल है, और इसी वजह से सलमान खान जो बिग बॉस का ओटीटी वर्षन वो कर नहीं रहा है, या कहा जा सकता है वो लोग नहीं ले रहे और अनिल कपूर कर रहे, इससे एक अच्छा हुआ कि सलमान खान अब सिकंदर के मूवी में पूरा फोकस कर पाएंगे और ये मूवी सेव करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसके पहले भी हुआ है कि ये जो बिग बॉस की वजह से कई सारे शूटिंग डिले भी हुआ है, तो इस बार बिल्कुल नहीं होना चाहते, क्योंकि वो इस साल बहुत ही कम वक्त बचा है और इस मूवी में ज्यादा VFX का एक्शन है नहीं, तो इसलिए VFX में ज्यादा वक्त नहीं लगेंगे। तो साजिद नदीवाद वाला इस तरह से इसको सजाया गया है, बहुत जल्दी इसका शायद जून के 20 से मतलब 20 तारीख से इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, और इस मूवी में सलमान खान को बिल्कुल अलग टाइप में देखेंगे आप लोग, बिल्कुल अलग टाइप में, आज तक जो भी किया है, और एआर मुरुगदस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, उनको जो अच्छा लगता है वो बोल देते, जो बुरा लगता है वो भी बोल देते, तो इसलिए सलमान खान के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, उनको ये एहसास होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कभी कभी वो इस प्रकार का काम कर जाते जो उनको अच्छा लगता है लेकिन ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर है कि एआर मुरुगदस की बात सुने, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इस मूवी का शूटिंग नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है गुड़गांव फिल्म सिटी में, तो देखते आखिर में ये मूवी सलमान खान की जो बैट पर चल रहा है वो दूर कर पाता है या नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।